जवाहरलाल नेहरू। मैडम, हमें चाचा नेहरू के बारे में कुछ बताइए। क्या तुम्हारे चाचा? वो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि देश के हर एक बच्चे के चाचा थे। नंदिनी सही कह रही है, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। मैडम, उनका जन्म 14 नवंबर 1890 में हुआ था ना? अरे हाँ, ये दिन तो हम बाल दिन मनाते हैं, हमें तो छुट्टी भी मिलती है। हम उनका जन्मदिन बाल दिन कह के मनाते हैं। मैं तुम्हें उनके कुछ छायाचित्र दिखाती हूँ। उनका जन्म एक बहुत अमीर घराने में हुआ, मानो चांदी का चम्मच मुंह में रखकर उनका जन्म हुआ। उनका पालन एक राजकुमार की तरह किया गया, वे बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन जब वे अन्य लड़कों के साथ खेल रहे थे, अचानक उनकी गेंद एक छोटे गड्ढे में जाकर गिरी। सभी ने बहुत कोशिश की लेकिन गेंद को नहीं निकाल सके। जवाहर घर जाकर पानी लेकर आए और उस गड्ढे को पानी से भर दिया। धीरे से वो गेंद ऊपर आ गई और तैरने लगी। सभी खुशी से झूम उठे। नेहरू और गांधी एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनमें बहुत गहरा नाता था। उन दोनों ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इसके लिए उन्हें कई बार कारावास सहना पड़ा। कारागृह से नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को बहुत सारे खत लिखे। इन सभी खतों को इकट्ठा करके एक किताब लिखी गई, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज। स्वतंत्र भारत के वे पहले प्रधानमंत्री बने। सन 1964 में वे हम सभी को छोड़ के चले गए।